न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार, न्यूज नशा चैनल पे सभी मित्रजनों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है और कहते हैं उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है, और यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है दिल्ली में सरकार बनने को लेकर। तो अभी अभी 2024 के चुनाव संपन्न हुए हैं और उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 40-45 सीटों का नुकसान सत्ताधारी पार्टी को हो गया है। अखिलेश यादव जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है इस चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, और जाहिर है लोकसभा चुनावों के ऐसे रिजल्ट आने के बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की संभावना कहां तक बन रही है। जी हां, आज अखिलेश यादव जी की कुंडली का आकलन मैं शॉर्ट एंड क्रिस्पी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपके सामने रखने जा रहा हूं। अखिलेश यादव जी की कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है और मेष राशि की कुंडली है। अखिलेश यादव की कुंडली में इस वक्त जुपिटर यानी बृहस्पति की महादशा चल रही है 2013 से, जो चलेगी 2029 तक। गुरु मारक बाधक होता है हालांकि कन्या लग्न में, लेकिन गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु स्वग्रही है और गुरु केतु के नक्षत्र में है, जो कहीं ना कहीं एक त्याग की भावना इनके अंदर दिखलाता है। जाहिर है बहुत बड़ा मन करके ही उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है पिछले कई सालों से। तो स्वग्रही गुरु की महादशा गुरु केतु के नक्षत्र में, और महादशा में यानी गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा फरवरी 2027 से शुरू होने वाली है। अभी सूर्य की अंतरदशा चल रही है, सॉरी राहु की नहीं, राहु की अंतरदशा 2027 से शुरू होने वाली है। अभी सूर्य की अंतरदशा चल रही है जो नवंबर 24 तक चलेगी, उसके बाद चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी 26 तक, उसके बाद मंगल की चलेगी 26 से 27 तक। तो फिलहाल जो अंतरदशाएं चल रही है सूर्य की, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, राहु राजनीति का कारक ग्रह होता है, तो सूर्य की इस चल रही अंतरदशा में लोकसभा चुनावों का जो फल आया है, तो मैं समझता हूं मुझे ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि ये अंतरदशा गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा काफी बेनिफिशियल रही उनको। ज्योतिष को जो समझना चाहते हैं, ज्योतिष की सूक्ष्मता को जो समझना चाहते हैं, वो समझ लें कि गुरु से सूर्य देव एकादश में है, भावात भाव सिस्टम से। तो भावात भाव सिस्टम से गुरु से सूर्य एकादश होने की वजह से इच्छा पूर्ति और सफलता का योग उनके लिए बन गया, और राहु के नक्षत्र में तो सूर्य है ही। अब चंद्रमा की जो अंतरदशा सूर्य के बाद आएगी, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, तो जाहिर है सूर्य जो सत्ता का, प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है, चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा एकादशेष है इनका, हालांकि चंद्रमा अष्टम में बैठा है लेकिन फिर भी सूर्य के नक्षत्र की वजह से वो दूसरे और प्रथम भाव से कनेक्शन बना रहा है। तो चंद्रमा की अंतरदशा भी इनकी अच्छी जाएगी, प्रशासन पे इनकी पकड़ बनी रहेगी, जो भी एमपी जीत के आए हैं, बहुत सी आवाजें, बहुत सी बातें सुनने को मिल रही है कि एमपी टूट जाएंगे, फलाना ढिमकाना, जो भी बहुत तरह की बातें होती हैं, ऐसा लगभग कुछ नहीं होने जा रहा मेरे आकलन के अनुसार। और उसके बाद अष्टमेश मंगल की अंतरदशा इनके लिए थोड़ी परेशानी वाली होगी, समय मेंशन में कर दे रहा हूं, मार्च 2026 से फरवरी 2027 तक ये अंतरदशा थोड़ी परेशानी वाली उनके लिए होगी,
क्योंकि परेशानी होना स्वाभाविक है। विधानसभा चुनाव जितना नजदीक आता जाएगा, राजनीति में जो होता है एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी और एक दूसरे को तोड़ना मरोड़ना जैसी स्थितियां, ये उस वक्त थोड़ी उनको झेलनी पड़ेगी। लेकिन 18 फरवरी 2027 से राहु की अंतर्दशा शुरू होगी जो 2029 तक चलेगी, तो विधानसभा चुनाव 2027 में होने को है। जो समय का विंडो मैं बता रहा हूं, फरवरी 27 से जुलाई 29 के बीच का, राहु की अंतर्दशा में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी को उल्लेखनीय सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। और यहां यक्ष प्रश्न यही है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो संभावना प्रबल है कि इस बार वो 2022 की तरह चूकेंगे नहीं, क्योंकि जैसे थोड़ा सा आपको जमीनी धरातल आकलन भी कर लेना होगा, जैसे पिछली बार 2019 में अखिलेश यादव जी के पास एमएलए बहुत कम थे, तो एमएलए कम होने की वजह से भी उनकी शक्ति जो कम थी 2019 में, वो ज्यादा एमपी नहीं जिता के ला पाए। क्योंकि होता है ना, पहले से ही जो व्यक्ति सीटों के माध्यम से कमजोर नजर आ रहा है, लोग थोड़ा उससे दूर होने लगते हैं, या वोटर्स की भी मानसिकता होती है कि जो जीतने वाला है उसको वोट दे दे, हम जीते हुए व्यक्ति के साथ हम खड़े हो जाए। तो 2022 के चुनाव में स्थिति बदली, 40-45 एमएलए से अखिलेश यादव 125 एमएलए के आसपास आ गए। तो आप देख रहे हैं 125 एमएलए जब इनके पास थे, मैंने चुनावों के पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 40 से 50 के अंदर सीटें ही मिलेंगी, इसी चैनल पे कहा था, क्योंकि 2019 वाली स्थिति अखिलेश यादव की इस वक्त नहीं है। 125 एमएलए मतलब वो ज्यादा इलाकों में ज्यादा लोगों के करीब पहुंचने में कामयाब थे। एक एमएलए जब होता है तो वो अपने लोकल एरिया से जुड़ा हुआ होता है, इन सब बातों का फर्क पड़ जाता है। तो मेरी बात ये सत्य साबित हुई कि 125 सीटें जब एमएलए की इनकी है इस वक्त, तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। अब 2027 में विधानसभा चुनावों की सेम फॉर्मूले को एक बार घुमा दीजिए। 2022 में इनके पास एमपी भी कम थे, एमएलए भी कम थे, इसलिए 2022 में उल्लेखनीय सफलता तो इनको मिली, इससे आप कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अखिलेश यादव को 125 सीटें मिल जाएंगी कोई नहीं सोच रहा था। तो 125 सीटें मिली उनको, उल्लेखनीय सफलता उनको मिली, और इस वक्त उनके पास इंडिया गठबंधन ही मान लीजिए, इस वक्त उनके पास 45 सीटें हैं, और कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन टूटने वाला नहीं है, ये गठबंधन अभी जारी रहेगा। तो 2027 में 45 एमपी लगभग, संख्या एक दो इधर उधर हो रही होगी मुझसे, 45 एमपी लगभग 44-45 की शक्ति, 125 विधानसभाओं की शक्ति, ये दोनों मिलकर 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता अखिलेश यादव जी के हाथ में जाने के प्रबल संकेत हैं, लगभग जाएंगे मान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के प्रबल योग हैं। अगर इस वक्त की चल रही लोकसभा की यानी एनडीए की सरकार की स्थिति में कोई फेर बदल अगर होता है, तो उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा। ये थोड़ा सा समय की मांग है, इस आकलन को एक बार फिर करना होगा हमें, क्योंकि मैं बार बार जिस शब्द को दोहराता हूं उस शब्द को याद रखिए, देश काल पात्र, यानी काल यानी समय, देश जहां है, राज्य में चुनाव, देश में चुनाव, और पात्र, पात्र कौन है, इन तीनों चीजों का असर 2027 के चुनावों में पड़ेगा। अभी समय के गर्भ में है कि केंद्र में क्या होने वाला है, इस पे मैं कल एक वीडियो डाल चुका हूं, जल्दी ही इस पे मैं फिर अपनी गणना लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो अखिलेश यादव जी का फ्यूचर ब्राइट है, और बिल्कुल मैं साफ आपको कह रहा हूं कि 2027 में अखिलेश यादव जी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के योग प्रबल बन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।